गोपाल अपने मामा के घर पला बढ़ा और वहीं पे पढ़ाई करता था। लेकिन एक दिन घटना घटी परीक्षा के पहले। गोपाल, खाना खाके मेरे साथ बगीचे में चलना। हाँ क्यों मामा? बगीचे में थोड़ा काम है, इसीलिए बोल रहा हूँ चलने के लिए। लेकिन मामा, मेरे परीक्षा में सिर्फ 18 दिन बाकी, अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तुझे परेशान नहीं करूँगा, तू खाना खा के पढ़ने बैठ जा, मैं देखता हूँ किसी और को ले जाता हूँ। क्या गोपाल, दोपहर के समय तू कहाँ जा रहा है? छत पे पढ़ने जा रहा हूँ। पढ़ना है तो छत पे क्यों जा रहा है, यहीं पे पढ़ना। नहीं मामा जी, यहाँ पे हमेशा लोग आते जाते रहते हैं और भोला भी परेशान करता है, पढ़ नहीं पाता। अच्छा ठीक है, जा तो फिर, मन लगा के पढ़ना, गिरना मत छत से। पढ़ने में मन लगा है इसका। ए है भोला, गोपाल का छोटा भाई, घर में सबसे छोटा है, इसीलिए अभी तक स्कूल में नाम नहीं लिखाया है। भैया कहाँ है मामा? भैया छत पे बैठ के पढ़ रहा है। मैं भैया के पास जाऊंगा। नहीं भोला, भैया का परीक्षा है ना, भैया को पढ़ने दो, परेशान मत करो। तो फिर मैं क्या करूँ अभी? अभी तुम यहाँ बैठ के खेलो, खेलो 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 खेलो। मामा भैया पढ़ क्यों रहे हैं? नया कुछ सीखने के लिए। पढ़ाई कैसे करते हैं? किताबों को रट के। मामा मैं भी पढ़ने जाऊंगा। ठीक है बाबा, ठीक है, तुम थोड़ा और बड़े हो जाओ, तुम्हें भी किताबें खरीद के दूंगा। हाँ तब तुम भी पढ़ाई करना। नहीं मामा, मैं वैसा पढ़ाई नहीं, जैसा भैया पढ़ते हैं वैसा ही पढ़ाई पढ़ूंगा। वो कैसी पढ़ाई है बताओ? वही जो पतली पतली रंगीन रंगीन कागज रहती है और पतली पतली लकड़ियाँ और गोंद, मैं वैसा ही पढ़ाई पढ़ूंगा मामा जी, मैं भी पढ़ूंगा छत पे मामा जी। रंगीन कागज, गोंद, पतली पतली तिल्ली, ये कैसे पढ़ाई? क्या मामा जी आपको समझ में नहीं आता है, आप नहीं जानते, पतंग पतंग भैया पतंग बनाते हैं। गोपाल पढ़ने के बहाने छत पे बैठ के पतंग बनाता है। जाके देखना होगा मुझे। तू जा, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। आप बुलाए हैं मुझे? बोल, तेरे परीक्षा में और कितना दिन बाकी है? बोला हूँ ना 18 दिन। तो सही से पढ़ाई कर रहा है ना तू, या फिर टाइम पास कर रहा है? नहीं नहीं, मैं पढ़ रहा था। मैं क्या पढ़ रहा था? संस्कृत। संस्कृत पढ़ रहा था तो किताब कहाँ है, या फिर संस्कृत पढ़ने में रंगीन कागज गोंद लगता है? हाँ बोल बोल। किताब कहाँ है? छत पे। ये क्या है? शैतान लड़का, पढ़ने के बहाने तू पतंग बना के खेलता है, मुझसे झूठ बोलता है। आज से तू जब तक परीक्षा खत्म ना हो तू मेरे सामने बैठ के पढ़ेगा, तेरे पतंग बनाने का सामान मेरे अलमारी में रहेगा, समझे शैतान। विक्रमादित्य, मैं सुना हूँ कि आप बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान एवं विलक्षण व्यक्ति हैं, फिर भी आप मूर्ख की भांति मुझे कंधे पर लादे हुए चुपचाप चलते जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ,
रास्ते में कहानी सुनते सुनते आपकी थकावट दूर होगी और रास्ता भी सुगमता से कटेगा। कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर जानते हुए भी अगर आप चुप रहे तो उसी क्षण आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, और अगर आप सही उत्तर दे देंगे तो मैं फिर से अपने उसी पेड़ की डाल पर चला जाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ। बहुत सदियों पहले कंसाबती नदी के किनारे मिथिला नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा थे हीरासेन और उनकी रानी थी मायावती। महाराज हीरासेन अपने प्रजा के प्रति बहुत ही भावुक थे, लेकिन महारानी मायावती प्रजा से नफरत करती थी। अपने रूप के अहंकार से उनके पांव जमीन पर नहीं ठहरता था, और महाराज की एक कन्या थी पुष्पमाला। जैसे महाराज थे वैसे ही राजकुमारी अपने पिता जैसे भावुक थी, हसमुख थी। सुनो, कल से तुम मेरे साथ राजसभा में बैठोगी। तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हारा अहंकार कहाँ है? ठीक उसी समय आसमान से गुजर रही थी एक नील परी। महारानी की बातें उसके कानों तक पहुंची। सुनकर रूप का अहंकार, धन दौलत का अहंकार ठीक नहीं है महारानी। तुमसे क्या मतलब, जाओ जाओ, जाके अपना काम करो। इतना अहंकार है तुम्हें, तो फिर सुनो मेरी बात। जब कल सुबह तुम्हारी कन्या राजसभा में बैठेगी, तब मैं उसी वक्त उसका एक अमूल्य चीज उससे ले जाऊंगी। माता श्री। पुत्री पुत्री, महामंत्री राजवैद्य को जल्दी बुलाओ। नहीं महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब मेरे वजह से, आज मेरे अहंकार के वजह से मेरी कन्या का ये हाल है। मुझे माफ कीजिए ईश्वर, मुझे माफ कीजिए ईश्वर। मेरे पाप का सजा मेरी कन्या को मत दीजिए, दया कीजिए। मैं जाऊंगा राजकुमारी को ठीक करने। मुझे जानना होगा ऐसा क्या हुआ है राजकुमारी को। राजकुमारी की हालत एक नीलपरी की वजह से है। मेरी कन्या का हृदय ले गई है। ठीक है महाराज, हम कोशिश करेंगे। उत्तर हिमालय पर्वत के चोटी पर वो नील परी रहती है, लेकिन बच्चा वो पथ बहुत कठिन है। तुम क्या जा पाओगे उस नील परी के पास? मुझे जाना होगा रिसीवर, राजकुमारी को बचाने के लिए।
मैं चलता हूँ। तुम इतने दूर पहाड़ पे क्या करने आए हो? राजकुमारी का हृदय वापिस लाने जा रहा हूँ। एक भयंकर सांप उस हृदय का रखवाला है, उसे ना मार के तुम उस हृदय को नहीं ले जा सकते हो बेटा, नहीं ले जा सकते हो। कैसे भी करके मुझे राजकुमारी का हृदय मैं वादा किया हो ले जाना होगा। जाओ कोशिश करके देखो बेटा जाओ। वो रहा राजकुमारी का हृदय, कितना बड़ा सांप, क्या करूं? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, वो हृदय में ले ही जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे ले जाओगे यहाँ से हृदय, चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ हृदय लेके। महाराज मुझे राजकुमारी के पास ले चलिए। हाँ हाँ आइए आइए मेरे साथ आइए। माता श्री कन्या मेरी। बोलिए महाराज, यहाँ नील परी महारानी के घमंड को तोड़ने के लिए नील परी उनकी पुत्री की हृदय क्यों ले गई? जब किसी के संतान को चोट पहुंचता है तो माता पिता को बहुत तकलीफ होता है, इसलिए उन्हें तकलीफ दी थी सिर्फ उनका अहंकार तोड़ने के लिए। इस प्रतियोगिता को मुझे जीतना ही होगा, ये इनाम तो मुझे ही मिलेगा, मैं हासिल करके रहूंगा। लेकिन मछली पकड़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अब क्या करूं? हाँ कुछ करता हूँ, उस तरफ जाकर देखता हूँ, हो सके कुछ बंदोबस्त हो जाए। ला 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 ला। हाँ, ये तो बूंदा है ना? ये क्या, इसके पास मछली पकड़ने वाला, उसे कहाँ से मिला? अब मैं हार जाऊंगा, मैं कैसे मछली पकड़ूंगा? कुछ भी हो जाए उस बूंदा के पास से वो मछली पकड़ने का यंत्र मैं छीन लूंगा, कैसे भी किसी भी कीमत पर। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। जा रहा हूँ उसके पास। हाँ मैं सही सोचा था, मछलियों का दाना खरीदने के लिए उसे यहाँ आना ही था, इसी मौके का मुझे फायदा उठाना होगा। ये ले बूंदा, तेरे लिए मैं मछलियों का दाना लाया हूँ, अब वो तुझे खाएंगे। मुझे बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। ऐसे ही तो मछली को पकड़ना। छोड़ मुझे, इतना जल्दी क्या है, अभी तो मैं पकड़ा हूँ, अभी तो तुझे ये भी देखना है मछली को कैसे फंसा जाता है। तू सही नहीं कर रहा है, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अब तुझे मैं छोड़ूंगा। पानी का मछली पानी में ही रहे,
तू ये क्या किया है? अंदर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं सबक का कारी रहूंगा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा अंदर, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है मुझे मत छोड़ना बूंदा, लेकिन पहले तो अपने आप को बचा, मुझे बाद में सबक सिखाना ठीक है। अब मैं चलता हूँ मछली पकड़ने, चलता हूँ। इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा अंदर, मैं लेकर ही रहूंगा, लेकिन कैसे कैसे? उसका इतना हिम्मत मुझे पानी में फेंक दिया और मेरे ऊपर चिट्ठी फेंक दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में, चिट्ठी का जवाब मैं चिट्ठी से ही दूंगा। हंदा मैं आ रहा हूँ, अंदा मैं आ रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ तू प्रतियोगिता में कैसे जीतता है। बो रहा हंदा, कितने मजे से मछली पकड़ रहा है, अब तुझे पता चलेगा बच्चू। मैं आ रहा हूँ, अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया हूँ, पता नहीं क्यों नहीं फंस रहा है मछली। अब मैं मजा चखाता हूँ तुझे, ये ले। क्या काट रहा है मुझे, क्या घुस गया मेरे पीठ में, कैसा लग रहा है? लग रहा है तेरे पीठ में चींटी घुस गया है। शैतान लड़के चिल्ला चिल्ला कर पूरे मछली को भगा दिया तू। हंदा पानी में जा, अब पानी में सारा चींटी तेरे पीठ से निकल जाएगा। हे ना हंदा, इसकी वजह से सारा मछली भाग गया इधर उधर, अब मछली कैसे पकड़ेंगे? निकल निकल पानी से, मार मार के तेरा चामड़ी उधार दूंगा मैं आज से। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? प्रतियोगिता में पैसा खर्चे करके नाम लिखाया, आज तू यहाँ पे नहाने आया है? मारो उसको, मारो 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 उसको, मारो मारो ये मारो। मेरा गलती नहीं है, ये सही है साजिश बूंदा का था, ये साजिश बूंदा बूंदा मुझे बचा। हंदा संभल कर, ज्यादा देर नदी में मत कर, नदी में मगरमच्छ है, अपना ध्यान रखना। हाँ क्या कह रहे हो, मगरमच्छ पापा पापा पानी में मगरमच्छ, मगरमच्छ मुझे खा जाएगा, मुझे बचाओ पापा, मुझे पानी से निकाल। बूंदा मुझे बचा बूंदा, तू बाहर आ जाना। अंदर मैं जाकर फूफा जी से कहता हूँ, ये लोग फूफा जी का दोस्त है, मैं जाकर फूफा जी से कहता हूँ कि तूने इन लोगों का मछली प्रतियोगिता में रद्द कर दिया। नहीं 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 बूंदा, ऐसा मत कर बूंदा, ऐसा मत कर, फूफा जी से मत बताना बूंदा, फूफा जी से मत बताना बताना। राजा के बगीचे में एक डुमुर के पेड़ में एक टुनटुनी चिड़िया का वास था। एक दिन राजा के आदमियों ने
राजा के संदूक के मोहर धूप में सुखाने के लिए रखा था। शाम को मोहर उठाते वक्त गलती से एक मोहर बगीचे में ही गिर गया। टुनटुनी को ये सब दिख जाता है। मोहर को लेकर मैं अपने घर जाता हूँ। राजा के घर भी मोहर होता है, मेरे घर भी मोहर है, ये बात मैं राजा को जाकर बताता हूँ। प्रणाम महाराज। क्या खबर है टुनटुनी? राजा के घर में जो धन है टुनटुनी के घर में भी वही अरे धन भाई। है। देखो टुनटुनी के घर में क्या धन है। जी महाराज। महाराज टुनटुनी के घर में एक मोहर है। अरे वो तो मेरी ही मोहर है, जल्दी से ले आओ। जो आ गया महाराज। मेरे घर से पैसे ले रहा है, रुको आज राजसभा में अच्छा मजा चखाता हूँ। राजा इतना धनी है फिर भी टुनटुनी के पैसे लेता है। ये तो बहुत बदतमीज पक्षी है। प्रहरी इसके पैसे से लौटा दो। जी महाराज। मजा आया। राजा बहुत डर गया, टुनटुनी के पैसे लौटा दिए। क्या टुनटुनी ने ये सब बोला? ये तो बहुत ही बदतमीज पक्षी है, आगे जाओ तो भी काटता है। प्रहरी इसी वक्त रानियों के पास जाओ, रानियों को बोलो कि राजा ने इस पक्षी को भेजा है, इसको पकाओ। समझ में आ गया? मैं खाऊंगा। ठीक है महाराज। इसके बाद राजा के निर्देश के अनुसार प्रहरी लेकर गए टुनटुनी को पकड़कर रानियों के पास। वाह कितना सुंदर पक्षी है, कौन दिखाओ दिखाओ। अरे मुझे भी दिखाओ। हे भगवान टुनटुनी तो उड़ गया। अब क्या होगा? वो देखो एक मेंढक, इसी को भूनकर राजा जी को परोस देते हैं। हाँ 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 यही ठीक रहेगा। मजा आया। राजा ने भुना हुआ मेंढक खाया। प्रहरी रानियों को बुला कर लाओ। अच्छा महाराज। तुम लोगों ने मुझे टुनटुनू की जगह मेंढक भूनकर खिलाया है। क्या करती महाराज, जब हम तीनों टुनटुनी को देख रहे थे वो हाथ छुड़ाकर भाग गया। इसकी सजा तुम लोगों को देनी ही पड़ेगी। जल्लाद जल्लाद। आदेश महाराज। रानियों के नाक काट दो। मजा आया। टुनटुनी तो उड़ गया, रानियों की नाक कट गई। अब मैं तुम्हें जिंदा ही निकल जाऊंगा। इतना आसान नहीं है, मुझे निकल भी लिया तो पेट से निकल कर भाग जाऊंगा। तो फिर ये बात है, चलो देख ही लेते हैं। अरे बाप रे मम्मी। अरे बाप रे नाक कटी राजा की, मजा मुझे आया है। पकड़ो उसको पकड़ो। पर वो किसको पकड़ेंगे, टुनटुनी तब तक उड़कर निकल गई।